उत्तरकाशी में डीएम अब खुद ही यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में जुट गए हैं। डीएम ने एसपी के साथ मिलकर देर रात गंगोत्री धाम के प्रमुख यात्रा पड़ाव का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डुंडा कस्बे में होटल में दो बाल मजदूर पकड़े गए, जिन्हें तत्काल बाल आश्रय गृह भेजा गया। इस दौरान डीएम ने होटल संचालक को कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। आज मैंने नोटिस किया था मेरे इंस्पेक्शन के दौरान कि दो बच्चे हैं, उनसे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है होटल्स में। तो उक्त क्रम में मैंने और कप्तान साहब ने जॉइंट रूप से छापेमारी की थी और उसमें उस चीज़ को सही पाया गया और फाइनली फिर हमने उसमें संज्ञान लिया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त जो फॉरेस्ट फायर थी वो बिल्कुल ह्यूमन हैबिटेशन या मानवीय बस्ती के पास में थी, तो इमीडिएटली फॉरेस्ट की गाड़ी बुलवा के हम लोगों ने उसे भी कंट्रोल करना स्टार्ट कराया और फॉर्चुनेटली वो कंट्रोल हो जाएगी। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।